हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राजेंद्र एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज का बेसिक डिस्कस किया था, आज हम उसमें नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। इसमें परसेंटेज में जनरली एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताने हैं। देखिए, इसको कितने अंक मिले हैं भाई? यहाँ पे इसको मिले हैं 40 अंक, ठीक है। अगर 40 अंक मिले हैं और वो फेल कितने से हो गया भाई? 30 से। 40 अंक मिलने के बावजूद अगर वो 30 से फेल हो गया, ठीक है, तो अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता ना। तो इसका मतलब टोटल पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए भाई? 70 मार्क्स चाहिए भाई, ठीक है। देखो, 40 उसको मिल गए लेकिन फिर भी वो 30 से फेल हो गया, तो अगर मैं 30 और मार्क्स दे दें उसको तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके? 70, और वो पास हो जाएगा। और एग्जाम में कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए? 35% भाई। तो इसका मतलब 35% किसके बराबर हो गया भाई? 70 के। और 1% किसके बराबर हो जाएगा? 70/35, 2। और 100% किसके बराबर हो जाएगा? 200, ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब जो टोटल मार्क्स हैं कितने हो जाएंगे? 200, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना भाई? 40%, ठीक है। एक विद्यार्थी को कितने अंक मिले? 185, और वो फेल कितने से हो गया? 15 से, ठीक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताने हैं। सेम क्वेश्चन है, अगर 185 अंक मिले और 15 से फेल हो गया तो अगर उसको 15 और मिल जाते तो वो पास हो जाता भाई। तो 200 अंक मिलते तो पास हो जाता, और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितने में पास हो रहा भाई? 40% में वो पास हो रहा है। तो 40% किसके बराबर है? 200 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। और 100% किसके बराबर हो जाएगा? 500, ठीक है। तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% और 40% है, ठीक है भाई। और एक लड़के ने, ये बात हो रही लड़कों की, 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया भाई। 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो अगर उसको इतने अंक और मिल जाते तो इसका मतलब वो पास हो जाता भाई। मतलब 600 अंक अगर उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता भाई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ भाई, 40% का मान कितना हो गया? 600, ठीक है। तो इसने हम इस क्वेश्चन में हमसे अधिकतम अंक नहीं पूछे हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स नहीं पूछे हैं। तो हमें क्या पूछा है? लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं भाई लड़कियों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 35%। अगर 40% बराबर है 600 के, तो 35% का मान निकाल सकते हैं भाई यहीं से हम डायरेक्ट। तो 600/40 गुना में 35, ठीक है। तो 0 से 0, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा? 15 75 7, 15 3 45 और 7 52, 525 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 625 है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। भाई देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ भाई, अभ्यर्थी मान लिए मैंने, मान लिया एस मान लिए, ठीक है। तो अगर 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए तो इसका मतलब उसमें योग्य अभ्यर्थी कितने रहे भाई? 95% रहे भाई, ठीक है। टोटल का 95%, ठीक है, वो अयोग्य घोषित हुए, और योग्य विद्यार्थी टोटल का 95% योग्य घोषित हुए। अब योग्य विद्यार्थियों में से 85%, मतलब जो टोटल हमारे जो योग्य विद्यार्थी ये हैं, इनका 85% किसके हैं? सामान्य वर्ग के। अगर इनकी बात करें तो 85% तो इसका सामान्य वर्ग के हैं, और बाकी जो बच गए 15% वो किसके हो गए भाई? देखो ध्यान रखना, ये टोटल जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि 95 में से 85 हो गए तो बाकी 10 बच गए, नहीं, ये टोटल है। इसको आप जैसे एक मिनट के लिए आई मान लेते हैं, तो आई के जो 85% हैं वो तो किसके हैं? सामान्य वर्ग के। और बाकी जो 15% बच गए वो किसके हो गए भाई? ये हो गए अन्य वर्ग के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अब वो यहाँ पे कितना दिया हुआ हमें? 4275 दिया हुआ भाई क्वेश्चन में, कि जो अन्य वर्ग के अभ्यर्थी कितने हैं? 4275। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ, देखिए पहले तो योग्य विद्यार्थी कितने हुए? 95%, और अब इसका 15% किसके हैं? इसका 15% वो हैं अन्य वर्ग के, और ये किसके बराबर दिया हमें? 4275। तो यहाँ से कुल कितने अभ्यर्थी, कुल कितने अभ्यर्थी माने थे हमने? एस माने थे भाई, निकल जाएगा यहाँ से 19 95, 19 2 38,
4 7 19 2 38 9 19 95 15 75 75 225 एस बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 30,000 आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ आई ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। भाई किसी विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, भाई उसको 5 अंक कम मिले, ये माइनस का मतलब है कि उसको कम मिले हैं 5 अंकों से। और एक अन्य विद्यार्थी को कितने अंक मिले भाई, 40%, और उसे आवश्यक अंकों से कितने अंक अधिक मिले हैं भाई, 10 अंक अधिक मिले हैं भाई। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो देखो बेसिक से समझाता हूँ आपको। जैसे मैं मान लेता हूँ कि इसको एक्स है ना वो पास होने के लिए चाहिए, तो ऊपर वाले के कितने आए भाई, एक्स माइनस 5 आ गए। ठीक है भाई, इसको पासिंग मार्क्स से 5 अंक कम मिले और इसको पासिंग मार्क्स से 10 अंक ज्यादा मिले भाई, तो इसका मतलब इसको x प्लस 10 मिले। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान करना, अगर मैं इसमें से ये घटाऊं, अगर इसमें से ये माइनस करूं तो 40 में से 30 गया, कितना बचा भाई, 10 बच गया भाई। ठीक है, तो यहाँ आप घटाएंगे तो देखो, अब देखो यहाँ पे घटा के देखते हैं एक बार, x प्लस 10 ठीक है ये ज़्यादा है, और इसमें से अगर मैं x माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो x प्लस 10 माइनस x प्लस 5, एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15, समझ आए। ठीक है, तो जब भी एक के कम और एक के ज्यादा हो, ठीक है, तो ये मतलब कम है और ये ज्यादा है, तो दोनों कम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, एक के कम और एक के ज्यादा हो तो क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे से हम ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों के ही, अगर मान लो ये भी ज्यादा दिए होते और ये भी ज्यादा दिए होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते, दोनों को एक कम दिए होते उस केस में भी हम माइनस कर देते, लेकिन अगर एक के कम और एक के ज्यादा दिए हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 15 आ गई भाई। अब क्या पूछ रहा है, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो एक तो तरीका क्या है भाई, यहाँ से 100% निकालिए, इसका 100% निकाल के उसका 30% निकालिए, फिर उसमें 5 ऐड कर दीजिए, या 100% निकाल के उसका 40% निकालिए और उसमें से 10 माइनस कर दीजिए, या देखिए हमें टोटल मार्क्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर हमारे पास ये आ गया कि 10% बराबर है किसके भाई, 15 के ना, अगर 10% बराबर है 15 के, हमें पता है पहले अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, तो अगर 10% बराबर है 15 तो 30% बराबर किसके हो जाएगा भाई, 15 × 3 हो जाएगा भाई 45, 15 × 3 45 हो जाएगा, 45 अंक मिले हैं और वो 5 से अनुत्तीर्ण भी हो गया है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए भाई, तो 5 इसमें और जोड़ दें, अगर 5 इसमें और जोड़ दें तो हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो 50 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका अगर इसी को करना चाहते हैं, हम दूसरी स्टेटमेंट से अगर लेके चलें, जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, दूसरे अभ्यर्थी को मिले 40%, अगर 10% हमारा 15 है तो 40% तो 15 × 4 हो जाएगा भाई, 60 हो जाएंगे भाई। अब 60 अंक मिले हैं और उसको 10 अंक ज्यादा मिल गए हैं, तो अगर इसमें से 10 माइनस कर दूं तो भाई वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे उसके, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप टोटल मार्क्स निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं भाई। 10% बराबर 15 के दिया हुआ है तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 150 के, और 30% यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा 45 के, उसमें 5 ऐड कर दीजिए। तो आप ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें ये कभी भी फॉलो नहीं करना है, ये हम अननेसेसरी स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है भाई, 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए और वह आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त अधिक है उसकी भाई। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है, पिछले वाले में अंक पूछे थे, इस बार अंक ना पूछ के उसने प्रतिशत पूछे, ठीक है, पास होने के लिए जितने पासिंग परसेंटेज पूछिए, तो फिर से हम वही करेंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना होगा, 2 5 में से 3 गया 2 22% हो गया भाई। और यहाँ करोगे तो मैंने क्या बताया था, हम अगर एक के कम और एक के ज्यादा तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको, तो ये हो जाएगा कितना, 132 हो जाएगा भाई।
ठीक है, तो 22% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 132, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 के बराबर हो जाएगी भाई। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पहले पहले स्टेटमेंट पे चलें, आप कोई भी ले सकते हैं, पहली वाली या दूसरी वाली, मैं पहली वाली लेता हूँ पहले। ठीक है, तो पहली वाली में हमें ये पता है कि 30% तो मिले ही हैं उसको, ठीक है, और 108 अंक से फेल भी हुआ वो। ठीक है, अगर 108 अंक का हमें प्रतिशत पता लग जाए तो हम 30% में अगर वो 108 का जो भी प्रतिशत निकलेगा उसको ऐड कर देंगे तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी भाई। तो हमें पता है 6 मार्क्स में 1% बनता है, तो 108 में कितना परसेंटेज बनेगा, तो 108 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 × 6 = 6, 8 = 48, 18%, मतलब एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए फिर भी वो 18% से फेल हो गया। तो इसका मतलब पासिंग की पासिंग परसेंटेज कितना था, 48% था। ठीक है, एक तो तरीका ये था, या दूसरी स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी प्रेफर करना चाहें, जो भी आपको इजी लगे, जैसे इस वाले में बहुत छोटी कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, 108 को अगर आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से सीधा सीधा आपको पता है भाई, अगर 1% में 6 बनता है तो 24 में कितना परसेंट बन जाएगा, 4%। ठीक है, 24 में कितना बन जाएगा, 4% बन जाएगा भाई। अब उसको 52% मिले थे और 4% उसको ज़्यादा मिल गए, तो पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी भाई, 48% हो जाएगी। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने हैं, 40%, उसको 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से वो फेल हो गया भाई। अगर 22 अंकों से फेल हो गया, अगर उसको 22 और मिल जाते तो वो पास हो जाता भाई। तो इसका मतलब 40% किसके बराबर हो गया भाई, 200 के हो गया भाई। 40% पास होने के लिए चाहिए थे, और अंकों में बात करें तो कितना चाहिए था, 200। तो 40% बराबर है 200, 1% बराबर है 5, और 100% बराबर किसके हो गया, 500 के। हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए भाई। 60% तो मैथ में, ठीक है, और 70% ऐसे हैं जो कि गणित, सॉरी ये इंग्लिश में है और ये मैथ्स में है उत्तीर्ण हुए। 20% ऐसे हैं जो दोनों के दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों के दोनों में फेल हो गए। 20% ऐसे हैं दोनों के दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो 2500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए भाई, दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की, तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया हो कि 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो हमें इसका मतलब परसेंटेज में हमें जो दोनों सब्जेक्ट्स में जो पास हुए हैं उनका परसेंटेज कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो जैसे देखिए जनरली यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 60% है वो मैथ में, और ये आ गया 70% है वो मैथ में पास हुए। ठीक, तो अगर हमारे पास ये एरिया निकालना है, अगर हमारे पास ये एरिया आ जाए, तो अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये कौन से होते हैं भाई, जनरली अगर हम क्वेश्चन में निकालें तो ये ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं या फिर मैथ में पास हैं या दोनों के दोनों में पास हैं। तो ऐसे कौन से होंगे, तो देखिए अगर मैं ये 20% विद्यार्थी हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, अगर इसमें से 100 में से मैं अगर 20 को माइनस कर दूँ तो इसमें कौन बच जाएंगे भाई, 80% जो बचेंगे वो कौन बच जाएंगे जो कि दोनों विषयों में फेल नहीं हुए हैं। देखो ये कौन है 20% जो दोनों विषयों में फेल हुए, तो इसका मतलब जो 80% है वो दोनों विषयों में फेल नहीं हुए। या इसका दूसरा मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, या तो ये एक विषय में पास है या दोनों के दोनों में पास है भाई, कह सकते हैं भाई हम। ठीक है, या तो ये एक विषय में पास है भाई, दोनों में फेल नहीं है, तो इसका मतलब एक में फेल है एक में पास हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों में भी पास हो सकते हैं। ठीक है, तो 80% आ गया। ठीक है, ऐसे सब स्टूडेंट्स जो पास हैं, ठीक है, चाहे एक में है चाहे दोनों में, तो ये कितना आ गया, 80%। 80% भाई कैसे आता है, जैसे मैं कह दूँ इंग्लिश में पास है मैथ में पास है, देखिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश में पास है मैथ्स में पास है, और अगर ये बीच वाला मैं एरिया जो दो बार इसमें इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, इसको मैं अगर मैं माइनस कर दूँ तो दोनों के दोनों में पास है, तो इसका मान हमारे पास कितना दिया हुआ भाई, 80% दिया हुआ। ठीक है, और ई हमें पता है इंग्लिश में कितने पास हैं, 60, मैथ्स में कितने पास हैं, 70, ये हमें पता नहीं है, ये कितना दिया हुआ, 80% के बराबर आ गया भाई। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे x कितना आ जाएगा भाई, 60 और 70 130 माइनस 80 कितना, 50% आ जाएगा भाई। तो 50% ऐसे हैं
जो कि दोनों के दोनों विषयों में पास है। अगर 50% बराबर है 2500, अगर 50% 2500 के बराबर है तो 100% भाई किसके बराबर हो जाएगा, 5000। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं भाई, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 5000 है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो 17% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 46 दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें 42% तो दिया हुआ है मैथ में भी फेल हैं, और 52% किस में फेल है भाई, इंग्लिश में फेल है, और 17% ऐसे जो दोनों के दोनों में फेल है। तो ये हमने 42 लिया, ये 52 लिया, और ये 17 आ गया। तो अगर मैं 42 में 52 जोड़ के अगर उसमें से 17 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कौन आ जाएंगे भाई, वो कैंडिडेट जो फेल हैं, चाहे एक में चाहे दोनों में, ठीक है। तो 2 और 2 4 यहाँ से करेंगे तो 14 में से 7 गया 7, 5 4 9, 9 में से 8 और 1 7। 77% ऐसे हैं जो फेल हैं या तो एक में या दोनों, ठीक। अगर मैं इस 77 को 100 में से माइनस कर दूं, ध्यान से सुनना, ये 77% कौन आ गए, जो कि फेल हैं चाहे एक सब्जेक्ट में चाहे दोनों सब्जेक्ट में। तो अगर बाकी के जो बच गए वो कौन है भाई, जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब 23% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों के दोनों विषयों में पास हैं। क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ भाई, कितने स्टूडेंट पास हैं, 46 अभ्यर्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। अगर 23% बराबर है 46 के, 1% बराबर किसके हो जाएगा, 2 के, और 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 200 के। तो 200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों विषयों, जो टोटल अभ्यर्थी हैं, 200 टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना है, ठीक है भाई, 72% उन्होंने बायोलॉजी चुना है, ठीक है, और 44% ने मैथ चूज किया भाई। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय चुना है, दोनों जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो जरूर लिया है, ठीक है, और 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ये पता है 72 तो ये हो गए भाई, और 44 ये हो गए भाई, ठीक है, ये बायो के और ये मैथ के। अब एक बात बताइए, जब सभी स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ लिया है तो इन दोनों को मिला के कितना परसेंट बनेगा, 100% बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला लें कि बायो और मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं टोटल जो स्टूडेंट्स मिलेंगे वो 100% बनेंगे भाई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो दो बार जुड़ गए हैं, ये कैंडिडेट क्या हैं, ये दो बार जुड़ गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं 72 और 44 को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, और उसमें से मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखिए अगर ये एक एक बार जुड़ते तीनों तो कितना बनता, 100% बनता, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है, ये एरिया हमारा, ये बायोलॉजी जिन्होंने लिया उसमें भी ऐड हो रहा है, और ये इसमें भी जिन्होंने मैथ्स लिया है उसमें भी ऐड हो रहा है। तो अगर इनमें से अगर तीनों को ऐड करने से हमारा 100% बन रहा है, तो अगर इसमें से मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो डबल बार ऐड हो रहा है वो बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4 2 6 6 में से 0 गए, 6 7 4 11, 11 में से 10 गए, तो 16% ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज किए, 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों के दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। अगर 16% का मान हमारे पास 40 दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 40 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं, अगर 16% का मान 40 है तो 1% का मान 40/16, और 100 का अगर हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16, 8 5 40, 2 5 10, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 250 आंसर आ जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60, ठीक है, इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए हैं। इसका 10% 4 हो जाएगा, इसका 10% 5 हो जाएगा, इसका 10% सॉरी इसका 20%, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका 10% 6 हो जाएगा भाई।
पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण है, तो भाई पास टोटल कितने हैं भाई यहाँ पे, तो 6, 4, 10 और 10, 20 भाई। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 90 और 60, 150। 20 पास हुए भाई कितने में से, 150 में से, 100 में से कितने होंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 दूनी 100, 50 थी 150, 40/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए, 16 सही 2/3 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षार्थी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं, कि 35% है वो इसमें अनुत्तीर्ण हुए भाई पहले विषय में, और 42% है वो दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, और अगर मैं 15 की बात करूं तो 15% ऐसे जो दोनों के दोनों में, तो यहाँ से अगर हम करें देखिए पहले में ये दूसरे में, तो इन दोनों को ऐड करके अगर मैं ये माइनस कर दूं तो वो कौन से कैंडिडेट आ जाएंगे भाई, जो केवल अनुत्तीर्ण हुए, चाहे वो एक में चाहे वो दोनों में। तो यहाँ से करेंगे तो 5, 2, 7 में से 5 गया, 2, 4, 3, 7 में से गया, 62% ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, चाहे वो एक में चाहे दोनों में। तो अगर इसमें से 100 में से इसको मैं माइनस करूं तो 38% ऐसे आ जाएंगे जो कि दोनों के दोनों में, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 38% हमें पता लग गया दोनों सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से 15% ऐसे हैं जो दोनों के दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो अगर इसको मैं 100 में से माइनस करूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 100 में से अगर मैं 15 को माइनस करूँगा तो 85% आ जाएगा, और वो क्या होंगे, वो ऐसे होंगे जो कि दोनों विषयों में फेल नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता कि वो एक विषय में पास है, ठीक है, और एक में फेल है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों के दोनों विषयों में पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए पास परसेंटेज, ठीक है। टोटल जो पास है वो है 85% और जो दोनों में पास है वो है 38%, ठीक। तो अगर मैं 85 में से 38 को माइनस करूंगा तो ये हमारे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो केवल और केवल एक ही विषय में पास है। देखो इसमें कौन कौन से हैं, जो एक में भी पास है और दोनों में भी पास है, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों के दोनों में पास हैं। तो इन दोनों 85 में से अगर मैं 38 को माइनस करूंगा तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास जो एक विषय में पास है, तो वो कितने परसेंट हो जाएंगे भाई, 47%। और अगर मैं 2500 का 47% अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 25, 17, 175, 11, 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि केवल एक ही विषय में पास हुए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, ठीक है भाई, 30% अंक लिए, और कितने अंक से अनुत्तीर्ण रहा भाई, वो 45 से। दूसरे को कितने मिले, 42%, और उसे न्यूनतम अंक से कितने अंक अधिक मिले भाई, 45 अंक अधिक मिले भाई इसको भी। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 12%। यहाँ मैंने बताया था डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे भाई यहाँ पे, तो कितना आ गया भाई, 12% की वैल्यू 90 के। तो यहाँ से हमें पूछा पूर्णांक, तो पूर्णांक के लिए यहाँ तो हमें निकालना पड़ेगा, 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 90/12 × 100, 4 × 3 = 12, 25 × 100 3, 30, तो कितना आ जाएगा, 750, ठीक है। न्यूनतम अंक पूछ रहा है वो, तो न्यूनतम अंक आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, और वैसे निकालना चाहो तो 30% निकालना चाहो निकाल लीजिए यहाँ से, 30% कितना हो जाएगा भाई 750 का, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 5 × 15, 7 × 21, 22, तो 225 अंक उसको मिले हैं। फेल कितने से हो गया भाई, वो 45 से, तो टोटल कितने हो गए भाई, 4, 2, 6 और 1, 7, 270 अंक हैं वो है न्यूनतम अंक, ठीक है। तो पहले हमने क्या काम किया, जो पूर्णांक आया 750 हमारा पूर्णांक आ गया भाई, ठीक है। तो उसमें से हमने देखा उसका 30% निकाला,
क्योंकि पहले क्वेश्चन में दिया 30% अंक मिले, तो 30% निकाला कितना आ गया 225। हमें ये पता है कि 225 अंक मिले और 45 से वो फेल हो गया है, तो अगर उसमें 45 और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो न्यूनतम अंक आ जाएंगे। तो हमारे पास पूर्णांक 750 का आ गया और न्यूनतम अंक कितने आ गए, 270। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।